तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पाटिल गाड़ी चेक करो। सर बहुत सारे नींबू है। नींबू नींबू अरे गो बैक। नींबू के लिए टूट पड़े हैं। गो बैक, जाओ अपना काम करो, जाओ। अरे जाओ। सर मेरी दुकान है। दुकान है तो दुकान पे ध्यान दो ना, नींबू पे क्या ध्यान देते हो? नींबू देखा इंस्पेक्टर चालू पांडे कितना स्मार्ट है। नाकाबंदी देखकर कोई भी क्रिमिनल यू टर्न मारेगा और ये बात चालू पांडे अच्छी तरह जानता है। जैसे ही वो यू टर्न मारकर भागने जाता है चालू पांडे उसे पकड़ लेता है। दैट्स द स्मार्टनेस ऑफ इंस्पेक्टर चालू पांडे। तुम लोगों को क्या लगा इतने सारे नींबू पुलिस की नजर से बचाकर ले जाओगे? नहीं, नहीं ले जा सकते। हमने आखिर में पकड़ लिया तुम लोगों को। तुम लोगों को पता है पिछले 10 दिन से बासुंदी बोल रही है कि पांडे जी 2 नींबू तो ला दो और मैं 2 नींबू लाकर उसे नहीं दे पा रहा। अरे तो पांडे जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसमें से आधी गोली लेके जाइए। तुम लोग एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को नींबू की रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसे समय में नींबू मिलना दुर्लभ हो गया है और तुम लोग इतने सारे नींबू लेकर भाग पा रहे थे। सर ये लोग पक्का जमाखोरी का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं पाटिल साहब, हम लोग कोई जमाखोरी नहीं कर रहे पांडे जी। तो तुम लोगों के पास इतने सारे नींबू आए कैसे? जहां तक मेरा नॉलेज कहता है तुम तीनों नींबू की खेती तो करते नहीं। तुम लोग नींबू के पकड़े जाने के डर से ही नाकाबंदी से भाग रहे थे ना? नहीं नहीं पांडे जी। ना जी ना, तुझे गलत समझ रहे हो। अच्छा हम पर विश्वास करो, हमको गलत समझ रहे हो, कब से यही बकवास किए जा रहे हो। और मास्टर जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, एक शिक्षक होकर ऐसा काम करोगे। अब आपको जेल होगी और जेल में आपको कैदियों को पढ़ाना होगा। पाटिल नींबुओं के साथ इन लोगों को हिरासत में लो। पाटिल जी सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई जमाखोरी नहीं की है। हाँ, नहीं, नहीं, नहीं। चलो ये मान लिया कि तुम लोग जमाखोर नहीं हो। हाँ, पर ये तो मानते हो ना कि तुम लोग मिडिल क्लास हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे दुर्लभ समय में आप मिडिल क्लास लोगों के पास इतने सारे नींबू आए कैसे? पांडे जी सबसे पहले तो मैं आपको एक सच्चाई बता दूं कि ये जो भी जितने भी नींबू है वो सिर्फ मेरे हैं, इनके नहीं है। ओह माय गॉड, ये सारे नींबू तुम्हारे हैं? चलो मान लेते कि तुम जमाखोर नहीं हो, ये नींबू तुम्हारे हैं। जहां से तुमने ये नींबू खरीदा है उसका बिल तो होगा ना? तो बिल दिखाओ। बिल तो नहीं है मेरे पास। ओके चलो बिल नहीं है, कोई बात नहीं, तो उसका एड्रेस बता दो ना जहां से तुमने नींबू लिया है। नहीं वो भी नहीं है मेरे पास पांडे जी। एक्चुअली ये नींबू मैंने खरीदे नहीं है। खरीदे नहीं है मतलब चोरी की है? नहीं नहीं पांडे जी क्या बोल रहे हैं, ये सभी नींबू मुझे किसी ने गिफ्ट किए हैं। गिफ्ट? ओह माय गॉड, सुना पाटिल आज के माहौल में जहां पर नींबू की तस्वीर देखना भी मुश्किल हो गया है, कोई मास्टर जी को इतने सारे नींबू गिफ्ट कर रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ कौन है वो जिसने इतने सारे नींबू आपको गिफ्ट किया है? वो नहीं पता। वाह मास्टर जी वाह, अब आपने ये नया चैप्टर शुरू किया। इनको पता ही नहीं है कि इतने सारे नींबू इन्हें किसने गिफ्ट किया है। चलो मान लिया कि किसी ने आपको इतने सारे नींबू गिफ्ट किए, पर इतने सारे नींबू आप लेके कहाँ जा रहे थे? बेचने के लिए। माय गॉड, सुना पाटिल तुमने, गिफ्ट में आए हुए नींबू ये लोग बेचने जा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ क्या मेरे चेहरे पर
बेवकूफ चालू पांडे लिखा हुआ है। हाँ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। पटेल, इन सबको हिरासत में लो, रिपोर्ट बनाओ। ये लोग नींबू की जमाखोरी करके बेचने जा रहे थे। अरे नहीं, पानी जी, पानी जी। अब जो भी बोलना है कोर्ट में बोलना। इनको और नींबुओं को हिरासत में ले लो। चलो बैठो गाड़ी में, चलो। मैं की कह रहे थी पांडे जी कि तुसी अपनी गड्डी में कंफर्टेबली आगे चलो, हम तीनों मेरी गड्डी में आपको फॉलो करते हैं। पिकनिक पिक जा रहे हैं क्या कि फॉलो करें? हाँ, तुम सॉरी पांडे जी, सॉरी सॉरी। तो बैठो गाड़ी में। शिट्टी ने का फोन। पांडे जी मैं एक फोन उठाऊं प्लीज, ये बहुत अर्जेंट है। दरअसल इस बंदे के पास से मेरा काफी बड़ा पेमेंट अटका हुआ है, 25,000 रुपए। प्लीज प्लीज प्लीज। ओहो, हाँ उठा लो क्योंकि अब बहुत सारे पैसे तुम्हारे कोर्ट कचहरी में खर्चा होने वाले। उठा लो। ओ कृष्णा शेट्टी अन्ना, अरे कहाँ गायब हो 3 महीने से, मेरा पेमेंट भी नहीं किया आपने। सॉरी बड़े अन्ना, मैं गाँव में आ गया, यहाँ है ना नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जैसा नेटवर्क आया सबसे पहला हमें तुमको ही फोन किया। अच्छा अभी ये नंबर चालू रखना, मैं बाद में फोन करता हूँ। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। वो मेरे को पूछना था, वो 4 गोनी लींबू मिला क्या है? अरे यहाँ पे पुलिस से क्या 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 बोला? मेरे को सिर्फ इतना पूछना था कि वो 4 गोनी लींबू मिला क्या? वो 4 गोनी लींबू वो तुमने भेजे थे? हाँ हमने भेजा था। अरे क्यों भेजे अन्ना, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? अरे भिड़े अन्ना, आपका पेमेंट बहुत टाइम से पेंडिंग था और हमारे पास पैसा नहीं था, तो उसके बदले में हम आपको 4 गोनी नींबू भेजा। आप वो 4 गोनी नींबू को बेच के इंटरेस्ट के साथ पैसा कमा सकता है। अरे लेकिन वो नींबू के चक्कर में मुझे पुलिस से पकड़ लिया यहाँ पे। आइयो। अच्छा अन्ना, अभी तुमने जो बोला ना वो दोबारा बोलना, मैं पुलिस के सामने स्पीकर फोन पे रखता हूँ। एक मिनट। पंडित जी, वो जिसने मुझे नींबू भेजे ना उसका फोन है, जरा बात करो ना। ओ अन्ना, अभी फोन स्पीकर पे है, अभी तुमने मुझे जो बताया ना अभी पुलिस को बताओ ना, वो सुन रही। हाँ पुलिस अन्ना, भिड़े अन्ना का पेमेंट बहुत टाइम से पेंडिंग था, इसके लिए उसके बदले में हमने 4 गोनी नींबू भेजा। सुना ना आपने, बेकसूरू सुना हमने बहुत अच्छी तरह सुना, लेकिन हम कैसे मान लें कि तुम बेकसूर हो? शायद ये तुम्हारा प्लान हो तुम्हें बचाने के लिए। नहीं, कोई यहाँ छिप कर बैठा होगा, उसने देख लिया कि हमने तुम्हें पकड़ लिया है तो वहां से फोन कर रहा है। अरे नहीं नहीं पांडे, अभी ये कैसे मैं प्रूव करूँ आपको? ये कौन, चालू पांडे जी बोल रहे? चालू पांडे जी है क्या वहाँ? हाँ ये चालू पांडे जी है इंस्पेक्टर। चालू पांडे जी, मैं कृष्णा शेट्टी, वो शेट्टी होटल का मालिक, याद आया? कृष्णा शेट्टी, शेट्टी होटल। सर सैटरडे। क्या सैटरडे? सैटरडे को इनके यहाँ से खाना फिक्स था ना। राइट। हाँ वो सैटरडे आप शेट्टी अन्ना से घुस लेते? क्या बोलता है? खाना मतलब इसके यहाँ का मिसल पाव बहुत ही टेस्टी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर सैटरडे को 27 रुपया पाटिल को देता हूँ, वो शेट्टी के होटल से मिसल पाव लेकर आता है और मैं खाता हूँ। इतनी सस्ती 27 रुपए? हाँ, वो पुलिस को डिस्काउंट देता है। करेक्ट, एकदम करेक्ट। हम पब्लिक को सर्विस देते हैं तो शेट्टी अन्ना पुलिस को सर्विस देता है, डिस्काउंट देता है। वेरी गुड शेट्टी अन्ना। नहीं, बराबर आप, वेरी गुड। करेक्ट, हम वही होटल का मालिक बोल रहा है। एक मिनट शेट्टी अन्ना, तुम्हारा होटल तो 2-3 महीने से बंद है, तो फिर ये होटल बंद होने के बाद हम गांव चले आए, गांव में आकर नींबू का खेती चालू किया। अच्छा, बड़ा बड़ा नींबू उगाया हमने और उसका रेट भी बढ़ गया। अच्छा, और जिन जिन का पेमेंट बाकी था ना सबको मैंने नींबू में पेमेंट कर दिया। हाँ अब समझ में आ गया पांडे जी, ये मेरी मेहनत की कमाई है, जमाखोर नहीं हूँ मैं। साहब थैंक यू, आपने फोन करके मास्टर जी को बचा लिया, नहीं तो ये समझ लो 2-3 महीने के लिए अंदर होने वाले थे। थैंक यू शेट्टी अन्ना, थैंक यू टाइम पे फोन किया आपने, थैंक यू। हाँ ठीक है। ओए पिडू, वो 80 भी बच गए तो नींबू भी, वो भांगड़ा तो बनता है। बस 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 बस, कमाल है आप भी,
इतनी कड़ी धूप में आपको भांगड़ा करने का मन होता है? ये तो बस खुशी जायज करने का एक तरीका है। सॉरी, तुम लोगों को मैंने गलत समझा, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। अरे दीदी पांडे जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वैसे अपने नॉलेज के लिए मैं मास्टर जी जानना चाहता हूँ, इतने सारे नींबू ऐसे समय में खरीद कौन रहा है? आ, वो कोई है, हाँ, गुड्डू खटीला। गुड्डू खटीला, गुड्डू खटीला। क्या तुम्हें पता है मास्टर जी, शहर के सबसे बड़े जमाखोर के पास ये नींबू बेचने जा रहे हो? गुड्डू खटीला जमाखोर है? हाँ। और मैं एक शिक्षक होकर एक जमाखोर को नींबू बेचने जा रहा था? अरे हाँ। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैंने फोन पे बात की थी उससे, बातों से तो बहुत शरीफ आदमी लग रहा था। अरे वो शराफत का चोला पहन के जमाखोरी करता है। ओ? तुम्हें पता है मास्टर जी, तुमसे इतने सारे नींबू खरीद कर वो जमा करेगा, जमा करने के बाद मार्केट में नींबू के और भाव बढ़ जाएंगे, तब वो उसे डबल भाव में बेचेगा और मुनाफा कमाएगा। आप समझ रहे हैं ये क्या गेम है मास्टर जी? नहीं नहीं नहीं, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं जमाखोर को नींबू नहीं बेचूंगा। कब से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और बिना सबूत हाथ में नहीं आ रहा है। अब मास्टर जी, क्या पुलिस को एक इंफॉर्मेशन देने का कष्ट करेंगे? ये जो गुड्डू खटीला है, ये दिखता कैसे है? वो तो पता नहीं है पांडे जी, लेकिन उसने एक जगह पे बुलाया है और उसने बोला है कि मैं पीला शर्ट पहन के आऊंगा। पीला शर्ट के पहन आएगा वो है गुड्डू खटीला। आप एक काम कीजिए ना पांडे जी, हम अभी वहीं जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ चलिए ना और उसको पकड़ लीजिए। तुम चलोगे हमारे साथ, तुम देखोगे कि इंस्पेक्टर चालू पांडे गुड्डू खटीला को कैसे पकड़ रहा है। ये भी करेक्ट है। अब चलो, तुम लोग कानून की मदद करोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कुछ बातें सीक्रेटली कह रहा हूँ, लीक ना। तो प्लान ये है कि गुड्डू खटीला ने तुम्हें जिस गार्डन में बुलाया है, तुम लोग जाओ, हम लोग पुलिस की वर्दी बदल के सिविल कपड़ों में तुम लोगों के पीछे पीछे आएंगे। उस गार्डन में जब तुम लोग पहुंचोगे तो मैं अपने आदमियों के साथ कहीं छुप कर तुम लोगों पे नजर रखूंगा, और जब वो गुड्डू खटीला तुमसे नींबू खरीदने आएगा, तुम लोग मुझे इशारा करना। बड़े मास्टर, तुम दो बार नींबू उछालना, मैं समझ जाऊंगा कि वही गुड्डू खटीला है और उसे आकर पकड़ लूंगा। ओके ओके, थैंक यू गुड्डू खटीला। अब तुम्हें इंस्पेक्टर चालू पांडे से कोई नहीं बचा सकता। ले पिडू, आ गया तेरा बागवान गार्डन। पांडे जी भी आगे पीछे। अब्दुल, अभी बार बार पांडे जी को मत देखना, ये तो सबको पता चल जाएगा भाई। ठीक है ठीक है। गार्डन कैसा लग रहा? मस्त लग रहे सर, अभी आपको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। तो मेरी पहचान मेरे गॉगल से थी पाटिल, मेरी पहचान मेरी ईमानदारी, मेहनत और मुंबई पुलिस के यूनिफॉर्म से थी। सॉरी सर, सॉरी। तुम लोग यहाँ भीड़ बनाकर क्यों खड़े हो? फैल जाओ फैल जाओ फैल जाओ। पिडू, तू और अब्दुल जाओ गार्डन में, मैं नींबू का ध्यान रखता हूँ। नहीं 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 सोड़ी, वो गुड्डू खटीला कैसा आदमी पता नहीं है भाई, इससे तुम मेरे साथ चलो और अब्दुल तुम नींबू पे नजर रखना। हाँ ठीक है ठीक। गोकुल धाम वाले जहाँ बैठेंगे वहाँ पक 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 चलता ही रहेगा, काम की बात ही नहीं करेंगे। अभी इन नींबू का मालिक नहीं हूँ तो ये नींबू बेच के मुझे पैसे मिलने वाले हैं, जरा ध्यान रखना अच्छे से नींबू पे। क्या है ना, ये नींबू नहीं मेरे पैसे है। हा? अब चिंता मत करो, मैं हूँ ना, नींबू को कुछ नहीं होने दूंगा। ओ मास्टर 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 मास्टर, ओ भिड़े मास्टर। हाँ बोलिए पांडे जी। ये तुम्हारा ध्यान किधर है यार? अरे मुझे लगा आप फोन पे बात कर रहे। फोन पे बात? ये पुलिस का इंटेलिजेंस है ऐसा नाटक करने का। ओ
अच्छा अच्छा अच्छा, बोले बोले क्या बात है? क्या बात है, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, जाते जाते जाते। सर एंट्री आगे से। सर डोंट कॉल मी सर, एंट्री आगे से पांडे। अरे रिस्पेक्ट तो रख यार। मैं क्या बोलूं? पांडे जी। ओ एंट्री आगे से पांडे जी। यस। भाई चलो निकलते। जरा हाथ में वो दो दो नींबू देना, उसने बोला था ना कि हाथ में नींबू होने चाहिए। हाँ एक मिनट। सर एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? हम ये गुड्डू खटीला को पहचानेंगे कैसे? पाटिल तुम ड्यूटी पर सोते रहते हो क्या? तुम्हें याद नहीं भिड़े मास्टर ने क्या कहा था? गुड्डू खटीला यहाँ पर पीला शर्ट पहनकर आएगा और भिड़े मास्टर ने दो बार नींबू उछला, मतलब समझ जाओ कि वही गुड्डू खटीला है। एंड वी शुड कैच हिम। यस सर। ओके अलर्ट रहना। जी सर। हाँ थोड़ी, ये पांडे जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैं यहाँ हूँ। पिडू, वो कितने तेरा गुड्डू रंगीला? अरे रंगीला नहीं रे, गुड्डू खटीला। ओ यार खटीला हो पतीला हो या रंगीला हो, है कितने हो? हाँ आ जाएगा सोड़ी, आ जाएगा। अभी नींबू हाथ में पकड़ के खड़े हैं ना हम लोग, तो सोड़ी नींबू दिखने चाहिए। तुम मुट्ठी बंद करके क्या खड़े हो? सॉरी सॉरी। हाँ दिखाओ ऐसे ऐसे। हाँ बस आता ही होगा वो। ओए पिडू, हाँ वो देख पीली साड़ी में औरत। गुड्डू खटीला आदमी है सोड़ी, तुम मुझे औरत क्यों दिखा रहे हो? ओए पिडू ये भी तो हो सकता है ना कि उसने अपने वाइफ को भेजा हो डील करने के लिए। अच्छा क्या कुछ भी बोल रहे हो सॉरी 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 बेटा। सॉरी सॉरी सॉरी। वो देख सामने से पीला शर्ट पहना हुआ आदमी आ रहा है। एक बार उस गुड्डू खटीरा को हमसे आके बात करने दे, फिर देख मैं क्या करता हूँ। सोड़ी कंट्रोल, पांडे जी यहाँ पे आए हुए हैं ना, उनको उनका काम करने दो, वरना फिर से बोलेंगे कि ये केस भी तुम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ये भी करेक्ट है। आ रहा आ रहा आ रहा। आप लोग ही कोनी भर के नींबू लेके आए के बेचने के लिए? हाँ हाँ गुड्डू खटीला। हाँ मित्र, कोई अति आवश्यक कार्य हो आपका जो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो आपके लिए, उस कार्य को करने के पहले एक अलग किस्म की बेचैनी महसूस होती है, एक घबराहट सी होती है और पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ होने लगता है। ठीक ऐसी हालत इस वक्त गोकुलधाम निवासियों की है। अब क्या होगा आगे, अब देखना ये होगा कि ये जो प्लान बनाया है, ये जो पूरी भूमिका बनाई गई है, इस प्लान में ये गोकुलधाम निवासी कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.